और नेता को सुधारिए पहले। सरकार क्यों नहीं पहले सुधारती है? तो सुधार रही है तो आप सुधर रहे हैं क्या? कहाँ तो सरकार तो पहले आप सुधरने आप सुधर रहे हैं तो नेता सुधरे प्रशासन सुधरे। हमको नौकरी चाहिए, हमको कोई, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। नियम का यूपी में नियम नहीं, यूपी में ना करो ना, यूपी में नियम नहीं है क्या? नहीं कोई नियम नहीं है वहाँ। तो आपको लगता है कि नियम लगाकर सरकार गलती कर रही है? करिए रही वो तो दोनों चाहिए, मतलब देखिए। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही मैं जानूंगा। हम लोग कोरोना आएगा कहाँ से, जब वैक्सीन हमको लग गया, भारत सरकार बोल रही है कि 100 करोड़ वैक्सीन लग चुका है जी। तो वैक्सीन क्यों दिया गया, लड़ सकता है कोरोना से? वैक्सीन कहा, ये वैक्सीन तो नेता लोग ने कहा, नेता लोग ने कहा, किस नेता ने कहा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। कितना खूबसूरत लगता है ना रेलवे स्टेशन का नजारा, ये पटना जंक्शन का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक लोग है बिल्कुल, शासन को और नेता को सुधारिए पहले। नेता का जहां इलेक्शन हो रहा है वहां क्या, वहां मीटिंग, वहां कोरोना नहीं है? आज पहले यूपी में इतना भीड़ हो रहा है, कहीं भी नेता का भीड़ में? आज जो प्रधानमंत्री जहाँ रैली में जा रहे थे, अगर आप मरेंगे तो प्रधानमंत्री आपसे पूछने आएंगे? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपके सवालों का जवाब दूंगा मैं दूंगा, एक आम इंसान के रूप में। मैं पत्रकार नहीं, ये मेरी आईडी नहीं है, मैं आपको जवाब दूंगा। सरकार बनाती है ना, सरकार पर आरोप लगाने से आप बच जाएंगे क्या? तो सरकार क्यों नहीं पहले सुधारती है? सुधार रही है तो आप सुधर रहे हैं क्या? कहाँ तो सरकार तो पहले आप सुधर रहे हैं तो नेता सुधरे प्रशासन सुधरे। नेताजी तब सुधरेंगे ना जब आप सुधरेंगे। अच्छा बताइए, क्या कोई आपको नेता सुधारेगा तो आपके परिवार बच जाएंगे? हम लोगों को सुधारने के लिए ऑर्डर दे देता है लेकिन वो खुद सुधरता है। वो आपके लिए कर रहे हैं ना, आप आरोप लगा रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं? तो अगर नियम लागू किया जा रहा है तो किसके लिए, आपके लिए या आपके परिवार के लिए, अपने लिए? तो वो तो जनता के लिए नियम लागू कर रहा है। जनता के लिए तो क्यों नहीं नियम? ये क्यों बोला रहा मीटिंग में, फिर इलेक्शन क्यों करा रहा है? तो जाना इलेक्शन में आप लोग क्यों जाते? वोट देना तो मेरा फर्ज है, वोट देना फर्ज है। शर्मिला मैं इनसे बात करूंगा, मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बात कीजिए। आपने कहा कि वो वोट दे रहे हैं, ये जब आपका अधिकार है, जबरदस्ती आपसे नहीं होता है कि आप किसको वोट देंगे, तो आपका ये अधिकार है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, बिल्कुल है। तो अगर सरकार गलतियां कर रही है तो दोषी तो आप भी है ना, क्यों वो गलती कर रही है? आप उसकी सभा को एक बार छोड़ दीजिए, दूसरी बात वो खुद समझ जाएगा कि कोरोना में हम ये कर रहे हैं गलत है। दूसरी बात, अब आपका जवाब, आप आइए आप आइए। आपने कहा कि मैं 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे नौकरी नहीं मिली जी। नौकरी नहीं मिली शर्मिला, नौकरी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं या अगर उनके सख्तियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तबीयत अगर आपकी बिगड़ जाएगी तो आप ज्यादा जरूरी हैं अपने परिवार के लिए, ना कि आपके लिए पहले नौकरी। मैं गलत बोल रहा हूँ? पहले हमको नौकरी चाहिए, हमको कोई, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए लड़ रहे हैं तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं करें? जब देश के लिए नियम का पालन, यूपी में ना करो ना, यूपी में नियम नहीं है? कोई नियम नहीं है वहाँ। तो आपको लगता है कि नियम लगाकर सरकार गलती कर रही है? करिए रही है। अच्छा, सरकार गलती कर रही है नियम लगाकर, ये लोगों का कहना है। हो रहे हैं अभी एग्जाम, मतलब एग्जाम नहीं हुआ, यही खाली कोरोना लेके COVID-19 लॉकडाउन, दौड़ मेडिकल सब फिट हो गया, मतलब आपको कोरोना हो जाए। आर्मी का आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। ठीक है मोहम्मद अशफाक जी, अच्छी बात है, डिबेट होनी चाहिए अगर आप बात कर रहे हैं तो। अगर आपको कोरोना हो जाए तो पहले कोरोना से बचेंगे कि पहले नौकरी? नहीं तो पहले कोरोना से ही बचना पड़ेगा। तो कोरोना से कैसे बचे? जरूरी है या घर कोरोना के लिए, मतलब अपना सुरक्षा रहेंगे तो ये बातें आप तो अगर दे रहे हैं अपना, जो आप जैसे आप बताए कि मतलब सैनिटाइज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, मतलब सब कुछ अपना हिफाजत के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये जरूरत है देश के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए, आप देश को सुरक्षित करने के लिए आप काम करेंगे। अगर आप आर्मी की बात कर रहे हैं, सेना का सबसे मतलब एक बड़ा जिम्मेदारी वाला पद आप चाहते हैं देश में, लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो पहले हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, सरकार को नौकरी देनी चाहिए, रिक्वायरमेंट अगर है तो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इस मुद्दे पर लोगों को भटका दें, आपके जैसा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति कोरोना जैसे इस मामले को दरकिनार करके कहे पहले मुझे नौकरी चाहिए, तो संदेश क्या जाएगा? मैं आपसे पूछूंगा, संदेश क्या चाह रहा है? वो तो दोनों चाहिए, मतलब देखिए। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही मैं जानूंगा।
सेफ्टी नौकरी दोनों चाहिए, जरूरी है। मैं आपसे पूछूंगा फिलहाल की स्थितियों में क्या चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। तो बात अभी हम प्रोटेक्शन पे कर रहे हैं। अगर अगर बातें कर ले तो बातें बहुत है, अगर ये बातें करे तो बातें बहुत है। प्रोटेक्शन सारा लेके चलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बातें करे तो देश में बातों की कमी नहीं है, अगर मुद्दे की बात करे तो रोज एक दिन नए मुद्दे आते हैं। ये जो एज निकल जाएगा फिर तो दोबारा लौट के नहीं आएगा ना मेरा, लेकिन जो नहीं मिलेगी अगर लेकिन अगर आपने इस असावधानियों को आज स्वीकार किया तो कल ये आपकी जान पर आएगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दोनों जरूर इम्पोर्टेंट है, दोनों जरूर इम्पोर्टेंट है, जान भी जरूरी है। मैंने ये कभी कहा कि आपकी जरूरतें जो आपने कहा वो जरूरी नहीं है, वर्तमान की स्थितियों पर मैं बात कर रहा हूं। कुछ छोड़ करके सिर्फ इसी पे करो, बाकी सब कुछ नौकरी छोड़ दो, इम्पोर्टेंट है। तो आपको नहीं लगता, एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगी, ये वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कह रहे हैं बताइए। हम लोग कोरोना आएगा कहाँ से, जब वैक्सीन हमको लग गया, भारत सरकार बोल रहा है 100 करोड़ वैक्सीन लग चुका है जी, तो वैक्सीन क्यों दिया गया? तो क्या ये कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या बिहार सरकार के किसी नेता ने कहा कि वैक्सीन लगने से आप बच सकते हैं कोरोना से? हाँ, लड़ सकता है कोरोना से, वैक्सीन ने कहा ये? वैक्सीन तो नेता लोग, WHO ने कहा, नेता लोग ने कहा, किस नेता ने कहा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। झारखंड में तो लॉकडाउन की स्थिति है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। यदि आप वैक्सीन लगा लेते तो नाइट कर्फ्यू क्यों लगता फिर? एक मिनट, एक भी मीटिंग में ये नहीं बोला गया कि आप लोग मास्क पहने या डिस्टेंस बना के दूरी रखें। किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? जो बिहार में अभी इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, कहीं सुने हैं कि मैं डिस्टेंस बना के रखे, 50 आदमी का भीड़ होना चाहिए, कहीं बोला गया? ये कहना चाह रहे हैं कोरोना कहाँ से आ गया, वो यहाँ पूछना चाह रहे हैं। तो ठीक है, दोबारा कोरोना कहाँ से आ गया, सरकार के नेताओं की गलती, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब सरकार नियम बना रही है तो आप नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हर नियम का पालन करते करते हम लोग बुढ़ा गए, एक भी वैकेंसी नहीं है, सरकार काम करने के उपाय में बोलता कोरोना आ जाता है, पूरा 5 साल कोरोना में बिता देता है। वैक्सीन आपका भाई, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, हम कोरोना के नियमों के पालन करने की बात कर रहे हैं, बस आपसे। पालन तो कर रहे हैं, पालन कर रहे, काम तो करना होगा ना। क्यों नहीं लोगों के चेहरे पे मास्क दिख रहा है, क्यों नहीं, क्यों इतनी भीड़ दिख रही है, क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा है, क्यों नहीं लोग जांच करवा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करेंगे अगर तो इसके लिए खर्चा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में खर्चा है। खर्चा नहीं है, मतलब मैं आपसे दूर हूँ तो खर्चा लग रहा है? खर्चा नहीं लग रहा है, दूर में रहेंगे तो काम होगा आपसे क्यों? हम मिट्टी काटेंगे आपको, कोदाली में इसमें डालेंगे आपके सिर में, तो डिस्टेंस रहेगा उसमें कोई। मैं एक बात बता दूं, मुद्दे की बात, जी जी, मुद्दे की बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन को लेकर के कभी ये नहीं कहा गया कि अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो आप कोरोना से सुरक्षित हैं, बल्कि वैक्सीनेशन क्या है ये भी एक बार आपको फिर से बता दूं, ये एक ऐसा बूस्टर है जो आपके शरीर में आपकी रोग रोधी क्षमता को सिर्फ बढ़ाएगा, ना कि कोरोना से बचाएगा। अब ऐसे में अगर लोग ये बातें कहें कि हमने दो दो वैक्सीन ले लिया है, सावधानी तो अब हमें जरूरत ही नहीं है, तो एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि सावधानी जरूरी है, और इसके लिए आपको किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये बातें अगर बार बार कहती जाए, और मैं चाहूंगा विकास एक बार जरा सा लोगों को दिखाएं, यहाँ एक एक लोगों के पास समस्याओं की कमियां नहीं है, दोनों वैक्सीन लिया, एक एक लोगों के पास समस्याओं की कमी नहीं है, देश में बहुत समस्याएं हैं, हमने कभी नहीं कहा कि देश में समस्याएं नहीं है, देश में मेरे पास भी समस्याएं हैं, शर्मिला के पास भी समस्याएं हैं, जितने लोगों से मैं पूछ लूं तो सबके पास एक समस्याएं हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि गरीब सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, रात में जब ये ठंड जो आप देख रहे हैं, इस ठंड के वक्त में आप देखेंगे तो सड़कों पर जो गरीब है वो कपड़े के अभाव में मर रहे हैं। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि आज की मैं आपको बात एक बार फिर से याद दिला दूं, दिन भर मैंने इस चर्चा की है अपने चैनलों पर, लेकिन जब रात के 10 बजे के आसपास मैं पटना जंक्शन पर आज आया, क्योंकि कल रात से कर्फ्यू लगेंगी, नाइट कर्फ्यू 10 बजे, ये वही वक्त होगा जब स्टेशन पर, शायद वो तस्वीरें होंगी जब सुनी हो जाए स्टेशन, क्योंकि बाहर पाबंदियां होंगी। आज हमने लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। मैं बता दूं, ये जानने आया था कि 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कितनी ऐसी ट्रेनें आएंगी
जो कल से लोगों के लिए समस्या बनेगी, जब लोग नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलेंगे तो उनको साधन क्या होगा, सवाल पूछने कि सरकार ने क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया है कि नहीं, यही पूछने आया था। मैंने जानकारी जुटा ली है, मैंने पटना जंक्शन पर जो इंक्वायरी काउंटर है मैंने वहां भी पूछ लिया है। शायद इन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने इनके मुद्दे पर नहीं सोचा है। तो अब मैं बता रहा हूं, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जब पूरा बिहार नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगा, तो पटना जंक्शन पर 40 ट्रेनें आएंगी, अप और डाउन की 40 ट्रेनें आएंगी, जिसमें दूर दराज की ट्रेनें होंगी, कोई दिल्ली से चली होगी, कोई कलकत्ता से चली होगी, कोई बनारस और कोई इसके अलावा मुंबई से चली होंगी। यात्री आएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, सवाल यही है, जानने यही निकले थे। लेकिन जब लोग मुद्दे की बात करने लगे तो मुद्दे तो बहुत हैं, तो क्या इस मुद्दे के कारण मैं उनकी सुरक्षा का ख्याल ना करूं? अगर वो हमसे इस बात पर लड़ाई लड़ते हैं कि पहले जरूरत है कि नौकरी दे दो, तो अगर आज मैं नौकरी की बात करूं तो 4 साल से वो कहां चुप थे, सवाल यही है। अगर आज मैं उस नौकरी की बात करने लगूं तो क्या कल प्रधानमंत्री मोदी नौकरी दे रहे हैं आपको? क्या कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नौकरी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं और ना देने वाले हैं। पहले आपके लिए एक और बात है कि यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपनी जान पे खेलेंगे, तो नौकरी कैसे करेंगे, ये भी तो बात है। यदि आप अपने परिवार की ही रक्षा नहीं करेंगे, और जिन लोगों को ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन ले लेने से, दोनों डोज का वैक्सीनेशन ले लेने से आपको कोरोना नहीं होगा, तो ये भी आपका भ्रम है। और निर्भय ये जानकारी भी लोगों को दे देनी चाहिए कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए बूस्टर डोज भी उपलब्ध करवाई गई है सरकार से। बूस्टर डोज वो है जो 2 वैक्सीनेशन के बाद लगाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि खतरा मौत का अभी भी थमा नहीं है, खतरा कोरोना का अभी भी थमा नहीं है। ऐसे में आप निश्चिंत ना हो कि कोरोना का वैक्सीन ले लिया दोनों डोज का, तो फिर आप निश्चिंत हो गए, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन नियमों का उल्लंघन ना करिए, सावधान रहिए। जी निर्भय, बिल्कुल, तो उसी मुद्दे की बात होंगी, बहुत मुद्दे हैं। एक बार फिर से याद करा दूं कि मुद्दों की कमी नहीं है, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, इसके अलावा और कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है वर्तमान की स्थितियों में आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित होंगे तो कल ही ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए जीवित रहेंगे। आज अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते हुए, हमने सड़कों पर देखा है, जब अस्पतालों के गेट पर पहुंचे हुए उन शवों को देखा है जिसके इतने वक्त नहीं मिला उसे कि उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए, जब अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन और इसके अलावा एक नई जो रेमडेसिविर, लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, उसके बारे में भी लोग जान गए। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, असावधानी आपकी हो या हमारी हो, कमियां तो हैं। सरकार के सिस्टम को भी हमने देखा, सरकार चाहे जो भी सिस्टम कर रही हो या सिस्टम पर सवाल अगर उठ रहे हो, तो सब कुछ सरकार के भरोसे तो हम नहीं छोड़ देंगे ना। अगर ये लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया सिर्फ कोरोना 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 चलाती है, तो बीच में स्थितियां बदल गई थी, मीडिया भी बदल गई है। अगर ये लोग बात कहते हैं कि सरकार अपना काम करती है और मीडिया बिक चुकी है, तो आज उनको भी मैं जवाब दूंगा, अगर हमारे पास कोरोना जैसी स्थितियां नहीं होंगी या अगर कोरोना पर हम बात नहीं करेंगे, तो हमें पता है कि आप नहीं सुधरेंगे, हमें पता है।